जियो यूज़ करने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है, और अगर आप जियो यूज़ करते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, काम का वीडियो है। जियो ने हाल ही में अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर में चेंज किया है, और अब पहले की तरह कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं रह गया है, यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उस बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया ये जियो को अचानक क्या हो गया, क्यों इसने ऐसे अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर में चेंज लाया है। जब जियो लॉन्च हुआ था तो मुकेश अंबानी ने कुछ इस तरीके के शब्द कहे थे, तो वो पहले आप सुन लो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई हैव ग्रेट प्लेजर इन अनाउंसिंग अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. मैं आप लोगों को अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने खुद जो है, जैसे लंगरों में लाइनें लगती है ना कि फ्री में लंगर बट रहा है आओ खा लो, वैसे जो है लोग यहाँ पे लाइनों में लग लग के लोगों ने जियो की सिम दी है। तो मतलब ऐसी चीज जो है इंडिया में पहली बार लोगों ने देखी। और दोस्तों परसों यानी कि 9 अक्टूबर को रिलायंस जियो की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि इन लोगों ने अब जो है यहाँ पे प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या प्राइसेस बढ़े हैं और क्या क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी तक जो है अगर आप रिलायंस जियो में कोई भी रिचार्ज कराते थे और किसी भी और नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल वगैरह करते थे तो वो सब कुछ फ्री होता था। जैसे आपके पास जियो की सिम है, आपने एक रिचार्ज कराया, तो अब यहाँ पे आप वोडा वाले को कॉल कर सकते हो, एयरटेल वाले को कॉल कर सकते हो, मतलब अक्रॉस द इंडिया आप किसी को भी कॉल करते थे, आपको कोई एक एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज यानी कि IUC के तहत अगर आप किसी और नेटवर्क ऑपरेटर को जियो की सिम से कॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, 6 पैसे पर मिनट। बहुत ज्यादा तो नहीं है, इतना कोई फर्क शायद हमें और आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसे का अमाउंट बहुत कम है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, कंपनी को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, हजारों करोड़ों रुपए का जो प्रॉफिट है वो कंपनी के हिस्से में आएगा। अब क्या होने वाला है दोस्तों कि जिन लोगों ने रिचार्ज कराए हुए थे 9 अक्टूबर 2019 से पहले के, अगर आपने कोई जियो का रिचार्ज कराया है और उसकी वैलिडिटी आगे तक है तो वो रिचार्ज की वैलिडिटी आपकी वही रहेगी, आप जो है यहाँ पे फ्री में कॉल कर पाएंगे। अगर आपने 9 अक्टूबर 2019 के बाद कोई रिचार्ज कराया है तो आपको यहाँ पे सेपरेटली IUC का रिचार्ज कराना पड़ेगा। जो IUC का रिचार्ज है मैं आप लोगों को बता दूं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के होंगे, जहां पे आप लोगों को अलग अलग मिनट्स मिलेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है जियो डाटा भी फ्री में देगा अगर आप ये जो IUC वाले रिचार्ज कराते हैं, ठीक है। बाकी जो पोस्टपेड वगैरह है उनमें भी ये फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब बात करते हैं कि भैया ऐसा हुआ क्यों, क्या हो गया अचानक जो जियो ने जो है अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जब से जियो लॉन्च हुआ है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जियो की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि हमने जो है बाकी ऑपरेटर्स को यहाँ पे चार्ज दिया है 13,500 करोड़ रुपए का। और यार ये तो होना ही होना था, आप भी जानते हो कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में दो ही चीजें होती है, या तो आपको धक्के फ्री में मिल जाएंगे या आपको धोखा फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको मिल जाता है। बाकी उसके अलावा सभी चीजों की एक कॉस्ट है, वो आपको देनी पड़ेगी। जहां तक बात रही IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज, तो ये जो है ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है निर्धारित करती है कि भाई कितना यहाँ पे चार्ज होना चाहिए IUC का। तो अभी 6 पैसा पर मिनट है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये बढ़ भी जाए और ये भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल तो 6 पैसा पर मिनट है, आगे की जो होगी वो बाद में देखेंगे। अभी की बात करें तो रिलायंस जियो जो है इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है आफ्टर वोडाफोन आइडिया के मर्ज के बाद। आप लोगों को पता ही होगा कि बीच में वोडाफोन और आइडिया एक हो गया था, तो उसके बाद जो है इन दोनों के एक होने के बाद इनकी जो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स थे वो सबसे ज़्यादा है। करीबन यहाँ पे 38 करोड़ लोग इंडिया में जो है वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं, जो अभी तो मर्ज हो चुका है, एक ही है। और जियो की बात करें तो करीबन 34 करोड़ लोग जो है यहाँ पे जियो यूज़ करते हैं। सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली ये कंपनी बन गई थी जब से 2016 में जियो लॉन्च हुआ है। और जियो का ये टारगेट है आने वाले समय में कि 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर को ये कैप्चर कर सके। तो भैया ये सारा खेल था, हो सकता है आने वाले समय में आपको और भी बड़े बड़े बदलाव दिख जाए, क्योंकि यू नेवर नो, कंपनी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पे अपना काम करती है। आपको यहाँ पे कोई लंगर या कोई फ्री में सेवा देने के लिए काम नहीं करती। जो भी फ्री में सेवा दी गई थी शुरू शुरू में वो एक मार्केटिंग टैक्टिक्स था, क्योंकि भैया हमारे जो धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं मुकेश अंबानी, खूब पैसा है मार्केटिंग का, खर्च कर सकते हैं। तो वो जो है पहले सब्सक्राइबर को गेन करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें दी आप लोगों को। अभी आप लोगों को इतना आदि बना दिया है कि आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते, और यहां पे कंपनी प्रॉफिट कर रही है और जियो जो है प्रॉफिटेबल है, राइट।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस कैसा। और मैं ये एक तारीफ भी करना चाहता हूँ, जियो के आने के बाद इंडिया का जो डिजिटल सीन है यहाँ पे वो चेंज करके रख दिया जियो ने, क्योंकि डेटा रेट जो है इतने सस्ते कर दिए, और ये जो है बहुत एक अच्छी बात है पूरे इंडिया के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप हमारा चैनल चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।